गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर आप यहां इन तस्वीर से देख सकते हैं, दो जो तस्वीर आपको दिख रही है दो लोगों की, उनमें से एक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई और जो लेफ़्ट में हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। यहाँ इस तस्वीर नीचे आप इस तस्वीर से भी देख सकते हैं, सेम तस्वीर है डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम, काफ़ी पुरानी तस्वीर है। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, उसके नीचे से हम देख सकते हैं चंद्रयान, गगनयान और लेटेस्ट मिशंस 2019। चंद्रयान मीन्स चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ये दो मिशंस के बारे में देखेंगे, जिनमें से 2019 में अभी मार्च में चंद्रयान 2 बिल्कुल अभी होने वाला है, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे इसरो के चेयरमैन के सिवन जी। गगनयान 2022 का लक्ष्य है, 2021-2022 का लक्ष्य है, और गगनयान में हम क्या करने वाले हैं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी। और चंद्रयान में क्या करने वाले हैं, चंद्रमा, चंद्रयान मीन्स चंद्रमा में पानी की खोज। और जो लेटेस्ट मिशंस हैं अभी, जो 4-5 लेटेस्ट मिशंस जो है उसको देखेंगे 2019 के। उसके नीचे जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं, ये है वो सैटेलाइट्स जिनको हम अर्थ की ऑर्बिट में भेजते हैं। और ये सैटेलाइट्स जो हैं, ये सैटेलाइट्स मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अपने आप तो जाएंगे नहीं, तो इनको जाने के लिए हमको क्या चाहिए, राइट साइड में आप देख सकते हैं रॉकेट्स लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू इन सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट में ले जाते हैं। तो LV क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV का मतलब होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। देखिए दो तरह के लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो होते हैं PSLV और दूसरा होता है GSLV, ठीक है, पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, ये दो तरह के PSLV GSLV लॉन्चिंग व्हीकल है, पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और जो सैटेलाइट्स होती हैं वो होती हैं दो तरह की, एक होती हैं इनसेट, ठीक, इनसेट, और जो दूसरी होती है वो होती है IRS, ठीक। इनसेट मीन्स इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS मीन्स इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ओके। इनसेट क्या करती है, ये जो इनसेट है, इनसेट सैटेलाइट जो है वो जो इसका रिलेशन है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से, ठीक है। तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाती है, कौन लेके आता है, ये GSLV जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में GSLV इनसेट सैटेलाइट्स को लेकर जाता है। और IRS जो सैटेलाइट्स हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग, इसका रिलेशन है पोलार ऑर्बिट्स, ठीक है, ये पोलार ऑर्बिट्स में घूमती हैं अर्थ के, और इसको कौन ले आता है, नो डाउट पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, डेट मीन्स PSLV, ठीक। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ और तीन तीन चीज़ें इन दो सैटेलाइट से रिलेटेड भी याद रखना है, वो है इनसेट, ये आखिर क्या लेके क्यों जाती हैं, ये क्या करती हैं, ये अर्थ के ऑर्बिट में जाकर ये जब घूमती हैं तो ये क्या करती हैं, और ये राइट साइड वाली भी क्या करती हैं। तो जो राइट साइड वाली है IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ये क्या करती है, वहाँ से डाटा भेजती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अर्थ के ऑर्बिट में ये घूमती हैं, एक फिक्स पॉइंट पे हर रोज़ आकर टकराती, उस फिक्स पॉइंट से होते हुए जाती हैं, और ये हमारे अर्थ में IRS वाली जो है डाटा भेजती हैं। और वो डाटा किस काम आता है, तीन चीज़ों के, आप किसानों से याद रखिएगा, ठीक है, मैं IRS की बात कर रहा हूँ। IRS का मेन काम क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो पोलार ऑर्बिट्स में जाती हैं, इनका मेन काम है तीन, यानी कि किसान से याद रखिएगा, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि का मतलब है एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि, वाटर रिसोर्सेज, एक किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, पानी की, तो वाटर रिसोर्सेज, और जो तीसरा है वो है ये कृषि, और ये किसान कहाँ रहते हैं, डेट मीन्स अर्बन, तो अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो भी डाटा की ज़रूरत होती है वो IRS भेजता है। लेफ्ट साइड में जो इनसेट है, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसको GSLV और ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहती हैं, GSLV इसको लेकर जाता है। तो इनका तीन मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, इनसेट का इनका उद्देश्य रहता है कि आपका जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग का जो नेटवर्क है, आपका DTH नेटवर्क है, और मेन मेटेरियोलॉजी डेट मीन्स मिनरल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मैं नीचे सेकंड पेज में जाने से पहले आपको सिक्स्थ पेज में कुछ दिखा देता हूँ कि आखिर इस वीडियो में हम मेन देख क्या रहे हैं, और इस एक पेज से ही आपको सब याद हो जाएगा, आगे तो बस हम थोड़ा बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट में लेटेस्ट मिशंस, राइट में फ्यूचर मिशंस। तो फ्यूचर मिशंस में क्या क्या हैं, चंद्रयान 2,
एंड गगनयान, ये दो ही हैं फ्यूचर मिशन में। चंद्रयान टू क्यों है और चंद्रयान वन कहाँ है? चंद्रयान वन यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो 2007 में हो चुका है, दो साल का मिशन था वो, 2009 में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चांद में पानी की खोज का 2 सितंबर 2007 में चंद्रयान वन हो चुका है, नीचे हम उसको अलग से देखेंगे। चंद्रयान टू अर्ली 2019 डेट मीन्स मार्च 2019 में सेकेंड मिशन टू मून होने वाला है, और गगनयान जो है 2021-22 में, इसके बारे में भी हम नीचे देखेंगे। इससे पहले हम ये लेटेस्ट मिशंस की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और इसको यहीं अच्छे से याद कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा नीचे से देखेंगे। 2018 में 3 मिशंस हुए हैं, हालांकि 2018 में और भी जनवरी फरवरी मार्च में मिशंस हुए हैं, लेकिन अब वो पास्ट हो गया है और इसरो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि 29 नवंबर 2018 को PSLV, जैसे कि मैंने बताया था, पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-43, किसको लेकर गया? इस सैटेलाइट को लेकर गया, HYSIS सैटेलाइट। तो HYSIS क्या है? यह है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, या कि इमेज से रिलेटेड सैटेलाइट है, ठीक है। हम इसका डिटेल नीचे देखेंगे। और ये अपने साथ 30 अदर सैटेलाइट्स को भी लेके गया, ठीक है। एक उसमें से एक माइक्रो थी और 29 नैनो सैटेलाइट्स थी। इसके साथ साथ ये सैटेलाइट्स भी गई थी जो अलग अलग देशों की हैं, नीचे हम इसकी डिटेल देखेंगे। उसके ऊपर आप देख सकते हैं G-SAT-11, ये सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है जो अभी अभी भेजी गई है 5 दिसंबर 2018 को। दिस इज़ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया फ्रॉम इसरो, ठीक है। तो उसका नाम ज़्यादा देखिएगा, एक और एक 11 होते हैं, ठीक है। तो G-SAT-11 नाम बिल्कुल याद रखिएगा, G-SAT-11। और कितनी हैवी है ये? 5854 kg, यानी कि 5854 kg, ठीक है। नीचे हम इसको भी देखेंगे। उसके ऊपर आप देख सकते हैं GSLV-F11 जो है, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल F11 जो है, वो कौन से सैटेलाइट को लेके गया है? G-SAT-7A मिशन, ठीक है। 19 दिसंबर 2018 को, ये डेट भी आपको याद रखना है। और अभी हाल फिलहाल के जनवरी में 24 जनवरी 2019, यानी कि 26 जनवरी के से दो दिन पहले, बहुत ही आसानी से डेट याद हो सकती है, इसको कौन लेके गया? PSLV C-44। दो सैटेलाइट्स लेके गया ये, माइक्रोसेट आर और कलाम सेट V2, ठीक। माइक्रोसेट आर एंड कलाम सेट V2, इन दोनों को लेके गया। और अभी एकदम हाल फिलहाल में फरवरी में, 6 फरवरी को एकदम लेटेस्ट मिशन हुआ है, और वो मिशन यहाँ मैं नहीं लिख पाया था, वो मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। हम यहाँ से देख लेते हैं, ये है 6 तारीख की न्यूज़, DTH सेवा होगी मजबूत, ATM नेटवर्क की बढ़ेगी कनेक्टिविटी, देश के नवीनतम संचार उपग्रह G-SAT-31 है ये, ठीक है। तो G-SAT-11 जो था वो हमारा हैवीएस्ट था, नीचे से दूसरा वाला, ये G-SAT-31 है, ठीक। और ये इंडिया से नहीं गया है, ये कहाँ से गया है? यहाँ से आप देख सकते हैं, फ्रेंच गुआना से गया है। और इसको कौन लेकर गया है? फ्रांसीसी क्षेत्र के कौरू के एरियन लॉन्च कॉम्प्लेक्स से भारतीय समयानुसार देर रात 2 बजे ये गया है। ये यूरोपीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियन स्पेस के एरियन 5 अंतरिक्ष यान से गया है, ठीक है। एरियन 5 नाम आप याद रखिएगा, बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, इसका मैं PDF नीचे डाल दूंगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट मिशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम अपने पेपर में वापस आ जाते हैं, हम जो कर रहे थे, ठीक। तो ये मिशन जो हैं इस पेपर से हमने देख लिया, अब इसकी डिटेल हम देखेंगे। और उस डिटेल को देखने से पहले हम ऊपर के 4-5 पेज थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। इसरो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया एंड इसरो वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969, यानी कि गांधी जी का जन्म 1869 को हुआ था, उसके करेक्ट 100 साल के बाद। और 15 अगस्त डेट तो आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसरो वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969। अब जो तीन चीज़ों की बात हमने की थी, उसमें से जो था सैटेलाइट, मेन था सैटेलाइट एस लिख रहा हूँ मैं, सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट को भेजने के लिए हमको चाहिए थे रॉकेट लेके जाएगा, किसके थ्रू लेके जाएगा? PSLV GSLV लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू। तो तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं रॉकेट और जो लॉन्चिंग व्हीकल है, फिलहाल सैटेलाइट की बात नहीं हो रही है। रॉकेट्स और लॉन्चिंग व्हीकल्स आर मेड एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, जो है तिरुवनंतपुरम, यानी कि त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, केरला की राजधानी है। नीचे से हम देख सकते हैं फ्रॉम वेयर रॉकेट्स लॉन्च्ड, अब यहाँ तो बन गए रॉकेट्स और लॉन्चिंग व्हीकल्स, ठीक है। अब ये लॉन्च्ड कहाँ से होते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है जो पूछा जाता है। ये होते हैं SHAR,
ठीक है, SDSC SHER यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरि कोटा, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे उनकी तस्वीर, यह है सतीश धवन जी जिसने आसमां तक पहुँचाया देश को, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पर अभी देखते हैं कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च व्हीकल्स एंड सराउंडिंग रॉकेट्स आर लॉन्च्ड, जो भी जहाँ हमारे अर्थ से इंडिया से जो भी आपके रॉकेट्स जाते हैं, जो भी लॉन्चिंग व्हीकल जाते हैं, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से जाते हैं या फिर जो जाते हैं TERLS। व्हाट इज़ दिस TERLS? दिस इज़ थुम्बा, एक सिटी का नाम है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और यहीं से क्यों जाते हैं? ये दोनों बिल्कुल आस पास है, सतीश धवन स्पेस सेंटर और थुम्बा, हालाँकि थुम्बा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और सतीश धवन थुम्बा है आपके तिरुवनंतपुरम केरला में, और सतीश धवन स्पेस सेंटर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लेकिन दोनों ही बॉर्डर एरिया में। और क्यों यहीं से जाते हैं, आप नीचे से यहाँ पढ़ लीजिएगा, द जियो मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द अर्थ पासेस ओवर थुम्बा, थुम्बा सिटी से जियो मैग्नेटिक इक्वेटर हमारे अर्थ का पास होता है, इसलिए यहीं से सारे आपके सैटेलाइट्स जाते हैं लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू रॉकेट्स में, ठीक है। राइट साइड में यहाँ नीचे आप देख लीजिएगा, ये अभी के हमारे चेयरमैन है KC1, और इनका नाम कैसे याद रखना है, ऊपर इस लिंक में जाके पावर ऑफ 7 जरूर देख लीजिएगा, 7 से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। बॉक्सर मैरी कॉम ने जो 7 मेडल जीते, जिनको उन्होंने हराया, उनका नाम था फेलॉक्स 7, सेवन ये नाम था उनका। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वीडियो काम का है, आप ज़रूर देख लीजिएगा ऊपर उस लिंक से। नीचे हम देख लेते हैं कुछ सवालों, और When did India begin developing its own rocket? India's first indigenous sounding rocket RS-75 was launched on November 20, 1967. ठीक है, तो RH means रोहिणी, RH stands for रोहिणी, और ये जो 75 लिखा है, that is the numerical, the indicate the diameter of the rocket in mm. ठीक है, which is the first Indian satellite? Left में देख लीजिए, Aryabhata is the first Indian satellite and it was launched from the former Soviet Union on April 19, 1975. रशिया ने बहुत हेल्प की थी हमारी उस समय, ठीक है। उसके नीचे which is the first launching vehicle of India, satellite launch vehicle SLV-3 is the first launch vehicle of India. The first successful launch of SLV-3 took place on 18th July 1980 from वही SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। उसके नीचे UPS तो हम देख चुके हैं मिशन वाला, अब हम जल्दी से देख लेते हैं चंद्रयान, सॉरी मैंने थोड़ा तेज़ी से उसको आगे कर लिया था, चंद्रयान, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन मून मिनरोलॉजी, मैंने कहा था ना मिनरल्स, वही मिनरोलॉजी मैपर ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर ऑन मून, ठीक है, पानी की पॉसिबिलिटी के लिए चंद्रयान 1 गया था। नीचे से देखिए, चंद्रयान 1 इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून वॉज लॉन्च सक्सेसफुली ऑन 22 अक्टूबर 2008, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बिल्ट इन इंडिया जो स्पेसक्राफ्ट लेकर गया था, जो इन डिफरेंट कंट्रीज की थी, और ये कितने 2009 में ये मिशन कम्प्लीट हुआ था, 2008 में चालू हुआ था और 2009 में कम्प्लीट हुआ था, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का ये मिशन था, ठीक है। उसके नीचे से हम देख सकते हैं चंद्रयान 2, आपको सिर्फ मेन चंद्रयान 1 का ये 22 अक्टूबर 2008 याद रखिएगा, ठीक है, और ये 2 साल तक का चला था। चंद्रयान 2 अभी होने वाला है 2019 के मार्च में, जिसको KC1 जी जो चेयरमैन है इसरो के लीड कर रहे हैं, और इनको इसको कौन सा LV लेके जाने वाला है लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल MK3, ठीक है। चंद्रयान 2 इंडिया सेकेंड मिशन ऑफ द मून इज ए टोटली इंडिजीनियस मिशन कंप्राइजिंग ऑफ 3 चीज़ें हैं इसमें, एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है। तो आफ्टर रीचिंग 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट, तो लैंडर जो है हाउसिंग द रोवर विल सेपरेट फ्रॉम ऑर्बिटर, ये पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आफ्टर ए कंट्रोल डिसेंट द लैंडर विल सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस एट ए स्पेसिफाइड साइट एंड डिप्लॉय अ रोवर। मिशन विल कैरी 6 व्हीलर रोवर, बस आप इतना याद रखिएगा। इसके आगे अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, वैसे इसका एज इट इज़ PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो तो आप PDF देख के खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे है हमारा जो है पहला जो मिशन है, ठीक है, जो मैंने पेपर का आपको दिखाया था उसका PDF मैं अलग से डालूंगा, जो लेटेस्ट मिशन है GSAT-31 वाला, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारा लेटेस्ट इस वीडियो में तो यही है, January 24, 2019 का PSLV C-44, जो कौन से दो सैटेलाइट लेके गया था, माइक्रोसेट आर और कलाम सेट V2 सैटेलाइट, ठीक है। तो कलाम सेट V2 जो है नीचे आप देखिए, कलाम सेट V2 स्टूडेंट पेलोड है, ठीक, और माइक्रोसेट आर क्या है, इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक,
कौन लेकर गया है इनको, PSLV C-44, ये उसकी तस्वीर है। उसके नीचे है GSLV F-11 कौन से सैटेलाइट को ले गया, GSAT-7A को, 19 दिसंबर 2018 को, ये सैटेलाइट की तस्वीर है। ठीक है, राइट साइड से आप देख लीजिए, इसरो 39th कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। ठीक, और ये जो ग्रीन में इसको थोड़ा देख लीजिएगा, GSAT-7A विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 2250 kg इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैरिंग कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर इन KU बैंड। दो तरह के बैंड होते हैं, एक KA बैंड होता है, KU बैंड होता है, बस अब इतना ही ध्यान रखिएगा। और इसकी जो न्यूज़ है ये नीचे से भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले मिशन पे, वो है GSAT-11 मिशन, जो कि 5 दिसंबर 2018 को हुआ था। और इस तस्वीर से देख लीजिएगा, इसमें कोरिया ने हमारी मदद की थी। ठीक है, तो GSAT-11 आखिर है क्या। ठीक है, ये सक्सेसफुली लॉन्च ऑन 5 दिसंबर 2018 फ्रॉम कोरोव लैंड बेस फ्रेंच गुआना बाई Ariane 5, वही जो था हमारा, जो मैंने न्यूज़पेपर कटिंग आपको दिखाई थी अभी का लेटेस्ट मिशन वाली, GSAT-31 वाली। ठीक है, वो Ariane 5 से गया है, वो जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है, तो GSAT ये 11 है, हैवीएस्ट सैटेलाइट है, तो हमको याद रखना है 58-54 kg। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 58-54 kg का है, और कोरिया ने हेल्प की थी, और फ्रेंच गुआना से ये गया था। फ्रेंच गुआना एक्चुअली में है ये फ्रांस, जो यूरोपियन है, यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, और जो नॉर्थ अमेरिका के बीच का जो आइलैंड वाला पोर्शन है वो है फ्रेंच गुआना। ठीक है, नीचे से आप इंडियाज़ हैवीएस्ट सैटेलाइट GSAT-11 सक्सेसफुली लॉन्च्ड की तस्वीर देख सकते हैं। ये 58-54 kg बिल्कुल आपको याद रखना है। देखिए, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं आपको, वो जो एक छठवा पेज वाला है ना, जो मेरा आपको मैंने दिखाया था जिसमें सारे मिशंस दिए हुए हैं, उसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये तो मैंने जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डिटेल डाल दी है। PSLV C-43 हाइसिस मिशन, जैसे मैंने बताया था आपको, हाइपर, यहाँ पढ़िए, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, और 30 इंटरनेशनल को पैसेंजर गए थे, एक माइक्रो और 29 नैनो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये उसकी तस्वीर है। PSLV C-43 29 नवंबर 2018, डेट बिल्कुल याद रखिएगा। उसके नीचे हम आ गए हैं सीधा हमारे गगनयान, लास्ट टॉपिक है ये इस वीडियो का, जो कि इसरो ने भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए योजनाओं का अनावरण किया है। 72वें स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की घोषणा की थी। ठीक है, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवान ने कहा कि कार्यक्रम मानव अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए दुनिया का चौथा राष्ट्र बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ने ही मानव अंतरिक्ष प्रकाश मिशन लॉन्च किए हैं। यहाँ से तस्वीर देखिए, बेंगलोर में है इसका हेड ऑफिस। ठीक है, वैसे इसरो का भी हेड ऑफिस बेंगलोर में है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नीचे से गगनयान से ही रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये वाला पोर्शन आप याद रखिएगा। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर सिवन सेड, सिवन मीन्स के सिवन, सेट द फर्स्ट अनमैंड मिशन फॉर गगनयान, ये अनमैंड होगा 2020 को, यहाँ कोई मानव नहीं जाएगा। ठीक है, सेकंड अनमैंड मिशन, यहाँ भी कोई मानव नहीं जाएगा, ये 2021 में होगा। और फाइनल मैंड मिशन ये होगा 2021 के दिसंबर में, उसके ऊपर ये जुलाई था, यानी कि 4-5 महीने बाद इंसान जाएगा। ही सेड द सिलेक्शन प्रोसेस विल ऑल्सो स्टार्ट दिस ईयर, सिलेक्शन हमारे इंडियन डिफेंस से किया जाएगा। ठीक है, इसरो हैज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर फॉर गगनयान प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस द प्रोजेक्ट envisaging sending 3 humans to space by 2022, एक वीक के लिए जाएंगे 3 human, ये याद रखिएगा, पॉइंट है ये। बाकी इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी यहाँ है, आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं कि गगनयान के उद्देश्य और महत्व को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं इतने बनाऊंगा, मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे PDFs आपको मिल जाएंगे जो आपके 2019 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।